हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। सब तो पहला तो आई एम सो सॉरी कि इन्ने टाइम तो व्लॉग नहीं आ पाया, उहदा रीज़न तुहानू पता लग ही चुका होना है। येस, आर बेबी इज हेयर। बट उस तो पहला ना दो चार इंट्रस्टिंग एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट व्लॉग्स पाए है, वह पाने जरूरी है। उस तो बाद व्लॉग जाएंगे बेबी के नाल एंड बेबी का डिलीवरी व्लॉग। एंड ये व्लॉग है जिस दिन साड़ी काइंड ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट के नाल लास्ट अपॉइंटमेंट सी एंड साड़ी स्कैन सी। एंड उस दिन सानू पता लग्या सी कि वी आर गोइंग टू हैविंग प्लैंड सी सैक्शन बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन। बाकी तुहानू सिचुएशन का अंदाजा तो लग ही चुका होना है कि साढ़े को काफ़ी थोड़ा टाइम बचे इस टाइम पर। मैं सोचा सी मेरे को 2 or 3 weeks हाले पे है, बट जिदा ही असं डॉक्टर को गए तो सानू पता लगे कि साढ़े को मैक्सीम टू मैक्सीम सिर्फ 1 week का टाइम बचे। एंड उस टाइम पर जो मैं ये चीज़ा पता लगियाँ, आई वॉज लाइक ओके, मैं ये फैक्टर डायजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा हले पूरा रूम सैट करना पे है। मैं ना ये चीज़ नू डिले करती जा रही थी कि कोई गल नहीं, बेबी की जिहड़ी नर्सरी है वो अरेंज कर लेंगे, कोई ना हले तक काफ़ी ज़्यादा टाइम पे है। बट हुण जो पता लग्या ना, सिर्फ और सिर्फ मैक्सीम टू मैक्सीम 1 week मेरे को बचा आ। एंड अज होस्पिटल तो आके खाना बनाया, दैन ऑटो करके असी मार्केट गए, जिहड़ा बेबी लई स्विंग क्रैडल देखना सी असी कन्फर्म करके ऑर्डर करके आ चुके हैं। वह घर खुद कर आके डिलीवर कर जाएंगे। एंड हुण मैं करन लगी हाँ बेबी दी फाइनली नर्सरी ऑर्गेनाइजेशन। सारा समान बिल्कुल रेडी है, पूरा साफ हो चुका है, ड्राई हो चुका है एंड सैनिटाइज भी हो चुका है। हुण सारा कुछ अरेंज करना शुरू करते हैं। सब तो पहला आप बैडशीट चेंज करते हैं क्योंकि ये उपर बैठ के मैं बेबी के कपड़े जोड़े लॉन्ड्री है सारी फोल्ड कर लगी हाँ। मैं सोच रही हाँ बैडशीट चेंज करन तो पहला पंखा साफ कर लाँ, ये हालत तुसी देख ही सकते हो। पंखा साफ हो गया, हुण बैडशीट चेंज कर लैने आ। सफाइयां सारियां हो चुकियां ने रूम दियां, बैडशीट चेंज हो चुकी है। हुण सारी आपां बेबी दी लॉन्ड्री फोल्ड कर लैने आ, उस तो बाद उन्हां नूं बास्केट दे विच अरेंज करके कपबोर्ड दे विच ऑर्गेनाइज कर देंगे। फिर जिहड़ा कपड़िया दा काम है वह सारा खत्म हो जाऊगा। शायद मैं तुहानू दिखाना भुल गई सी कि एक पार्सल आया सी, उहदे विच ना 3 baskets रिसीव होईयां सी। इन्हां नू पहला आपां चंगी तरह डिटोल वाले पानी नाल चंगी तरह आपां इन्हां नू ना सैनिटाइज कर लैंदे आ, उस तो बाद इन्हां विच कपड़े अरेंज करके रखने शुरू करदे आ। सैनिटाइजर तां है नहीं, डिटोल वाटर ते कपड़े नाल ही काम चलाना पऊगा। फस्ट बास्केट असी रखांगे सारे रोंपरस एंड सैकेंड बास्केट दे विच आणगे सारे जिहड़े ज़्यादा विंटर च यूज़ होण वाले पजामी सूट है ओह। थर्ड बास्केट दे विच आणगे अंडर गारमेंट्स, पजामिया, लंगोट एंड मिसलेनियस आइटम्स। ये वाली सारिया बास्केट ए वाले खाने च आ जाएगी। वैसे साफ तो किया हो, एक बार दोबारा कपड़ा फेर दें। सैवनटी % जोड़े कपड़े से बेबी के सारे अरेंज हो गए। उपर वाली स्पेस भी हूँ खाली हो चुकी है साढ़े को। जी फस्ट ड्रॉअर है आपां इनू ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये बेबी की जोड़े बेसिक जरूरी चीज़ा होणगियां सिर्फ उही रखांगे, लाइक डायपर्स, वाइप्स, ग्रूमिंग का समान, नेल कटर एंड बिब्स वगैरह एंड थोड़े बहुत कपड़े।
सैटिंग मैं थोड़ी चेंज करती दोबारा। हुण आपां इत्थे रखांगे थर्मामीटर, ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स, पिजन दा नोज क्लीनर एंड बेबीज नेल कटर। ये वाली बची खुची स्पेस से बेबी दे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे, जेंटल वॉश एंड शैम्पू, मसाज ऑयल, रैश क्रीम एंड दैन बॉडी लोशन एंड दैन दिस निपल बटर। नेल कटर च यूज़ करन लई बैटरीज जिहड़ियां कि जदों नेल कटर यूज़ करांगे उस टाइम ते मैं इहदे विच इनसर्ट कर दूंगी, अदरवाइज खराब होने के चांसिस हो सकते हैं। इन्हां नूं इत्थे रख देंगे तां कि लभण च आसानी रहे, राइट। दैन फ्यू बिब्स एंड कैप। आर ड्रॉअर इज़ रेडी नाउ एंड नैक्सट मेरे को एक बास्केट है जिदे विच मैं सारिया बेबी दिया फीडिंग दिया आइटम्स रखूँगी प्लस मेरा ब्रेस्ट पंप। यही वाली बास्केट मैं रखूँगी सैकेंड अलमीरा दे उपर, काफ़ी स्पेस बची है क्योंकि उत्थे आना है मेरा बोटल वार्मर कम स्टीमर जिदे विच आप सारे बेबी के जिहड़े प्रोडक्ट्स है, बॉटल्स है, ब्रेस्ट पंप के पार्ट्स है, वो सारे वॉश करके स्टरलाइज कर सकेंगे, उन्होंने मैं एक जगह पर ही रख सकूँगी, वो हैगी अलमीरा दे उपर वाली स्पेस। सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग रेडी, अप टू 50% सारा काम मेरा हो चुका है कहने का भाव, बाकी हूँ अगे चलते हैं। हूँ आप अरेंज करते हैं अपनी ब्लैंकेट्स वाली अलमीरा, ठीक है। इन्हें सारे ब्लैंकेट्स एंड टावल्स एंड जिहड़ियां बैडशीट्स है उन्होंने अरेंज करा आप ये वाली अलमीरा दे विच। बेबी दी ब्लैंकेट्स वाली अलमीरा भी रेडी हो गई है। हुण इदां लग रहा है भी हाँ काफ़ी हद तक काम घट गया, यानी कि 80% बेबी का कपड़े का काम खत्म हो गया। एज़ यू कैन सी दिस इज़ कंप्लीटली ऑर्गेनाइज नाउ एंड दैट एरिया इज़ अ कंप्लीट मैस। मैंने ये कुछ बास्केट्स मिलिया ने काफ़ी ज़्यादा गंदिया ने क्योंकि ये स्टोरेज विच काफ़ी टाइम तो पईया हुईया सी। इन्हां हुण किचन दे विच ले जाके मैं चंगी तरह वॉश करूँगी, दैन सैनेटाइज करूँगी, फिर आपां इन्हूं यूज़ कर सकते हैं बेबी दे कोई भी समान रखने लई। एंड एज़ यू नो कि जो बेबी लई मैं ऑनलाइन शॉपिंग की थी, उस टाइम पर काफ़ी सारे इस तरह के पॉलीथीन के जो क्लोथ्स है वो पैक होकर आए थे। एंड ये जोड़ा फस्ट किराए तो आप ब्लैंकेट लैके आता से वह आया से। ये जो प्लास्टिक के पॉलीथीनस है ना, मैं इन्हों बिल्कुल भी थ्रो नहीं कर रही हूँ, इन्हों मैं संभाल के रखे हुआ क्योंकि जिस टाइम पर बेबी दे लई हॉस्पिटल बैग पैक करना है उस टाइम पर काफ़ी सारिया चीज़ों अलग अलग कंपार्टमेंट कह सकते हो, अलग अलग पॉलीथीन के अरेंज करके, जिमें कपड़े एक पॉलीथीन के दैन जो बेबी के ग्रूमिंग आइटम्स है एक काफ़ी मेडिसिन वगैरह ने कुछ होर एक बैग के इदा, मतलब काफ़ी सारे बैग के अरेंज करके आप एको बैग के बेबी का समान पैक कर सकेंगे। एंड जिमें कि तुम्हें पता है कि बेबी लई मम्मा ने छोटे छोटे इदा के स्वैटर जोड़े है वो बुने से खुद अपने हाथों के नाल, उन्होंने रखने लिए ना मेरे को एक्चुअली कोई भी स्टोरेज बास्केट नहीं है। बट तुहानू याद होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी का शॉपिंग हॉल मैं शेयर किया उस टाइम पर इदा के हैंगरस मंगवाए थे। ये वाले हैंगरस हूँ काम आएंगे, ये वाले जो सर्दियों वाले प्योर सर्दियों वाले उन वाले कपड़े आ उन्होंने ऑर्गेनाइज करने लई। सारे कपड़े हैंगरस विच लग चुके हैं, हुण इन्हां नूं फटाफट हसबेंड दे अलमीरा विच ऑर्गेनाइज कर दिंदे आ। क्यूट ना। एंड दीज आर सम एक्सट्रा हैंगरस, इन्हां नूं भी इत्थे टंग दिंदे आ, कम तां आ ही जाणगे। हुण असीं तैयारी करदे हां जिहड़ी बैड साइड ते कैडी रखणी है ना, जिहदे विच बेबी दा सारा डायपर्स, छोटे मोटे कपड़े या फिर बर्प क्लॉथ वगैरह रखना है कि रात दे टाइम मैनू आसानी होवे, कि रात नूं मैनू वार वार इन्हां नूं उठाणा ना पवे कि मैनू डायपर चक के लिया दो, मैनू क्रीम लिया दो, मैनू आ लिया दो, मैनू वो लिया दो, मैं सारा बैड साइड टेबल के उपर रख लेना है। एंड एज़ यू नो कि मेरी वीडियो विदाउट DIY खत्म हो ही नहीं सकती, जिहड़ी आपां बेबी लई कैडी तैयार करनी है वो आपां DIY थ्रू तैयार करते हैं। लैट्स गो। मेरे को एक वाला बॉक्स आया हसबेंड के शूज़ वाला, इन्हू मैं बनाऊंगी एज अ डायपर कैडी। सब तो पहला जो उपरला कवर है इनू रिमूव कर देंगे कैंची नाल। दैन एक गिफ्ट रैपर मंगवाया सीगा जिहड़ा पेपर फॉर्म दे विच हुंदा है, इनू आपां इहदे चारे पासे लपेट के सोहनी जी कैडी बना देंगे। लैट्स सी किदां दी टर्न आउट हुंदी है। सो दिस इज़ हाउ इट टर्नस आउट। अच्छा लग रहा है ना,
मतलब अगर मैं ऑनलाइन भी कैडी मंगवाती ना वो भी लुक इन्नी अच्छी नहीं सी आनी। बस ये कह लो कंपार्टमेंट नहीं बने हुए, आप डायपर रखने बेबी का इसेंशियल जो समान है वो रखना है, थोड़ा बहुत कपड़े रखने एंड ठीक है। हूँ यह तो हो गया, हूँ आप फटाफट ऑर्गनाइज कर लें जो भी समान ये रखना है। आई एम जस्ट लविंग दिस कलर एंड दिस साइज। सो डायपर कैट के सब तो पहला आते हैं डायपरस, दैन दो इनरवेयरस, दैन दो बिब्स, दैन अगर कोई रात में बेबीली कपड़ा चेंज करना होगा दैन दो एक्स्ट्रा क्लोथ्स रख ले है, रोमपरस है, दैन डायपर रैश क्रीम, दैन निप्पल बटर एंड दैन दिस नोज क्लीनर एंड दैन वैट वाइप्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं रखन लगी हाँ चार डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड। हूँ सारा कुछ रेडी है, हूँ जी बेबी की कोट है प्लस बेबी का स्विंग है वो आप अपने अपनी जगह पर रख दिए, दैन थोनों एक छोटा जहा रूम का टूअर दे दें लाइक बेबी की नर्सरी टूअर दे दें। लैस गो। जिहड़ी मस्कीटो नैट है इस टाइम मैं रूम के लैके जाऊँगी और ही मस्कीटो नैट भी लगा देंगे फिलहाल दे टाइम, इनू एज इट इज़ रख दें कवर करके नहीं तो मिट्टी घट्टा पै जाना। सो दैट इज़ इट फॉर टूडेज गाइज, बेबी की नर्सरी ऑर्गेनाइज हो चुकी है जिदा कि मैंने काफ़ी टाइम तो टेंशन से पता नहीं कंप्लीट हो भी पाऊगी या नहीं, बट येस वी डिड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड येस आई होप कि तुम्हें यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो में लाइक करके जायो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसक्राइब करके जायो, पर जल्दी ही मिलता तुम्हें अपनी अगली वीडियो के नाल। और तक सारे जने अपना ध्यान रखियो एंड दैट गर्ल रज्जू की वीडियोज़ देखते रहो। बाय।